तो फ्रेंड आज लेके आई हूँ आंवले की रेसिपी जो इस रेसिपी को आप कुछ दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं क्योंकि अभी ताज़े ताज़े बाजार में मिल रही है आंवला पर बाद में नहीं मिलेगा तो इसके लिए 500 ग्राम आंवला यहाँ पर ले लिए हैं अच्छे से धो लिए हैं धोकर अच्छे से इसको पोंछ लिए हैं उसके बाद एक इसको डालेंगे कुकर में कुकर में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको गैस पर चढ़ा कर एक सीटी लगाएंगे क्योंकि एक के सीटी लगाना है ढेर सीटी लगाएंगे तो अलग अलग हो जाएगा अच्छे नहीं होगा उसके बाद आंवला को निकाल कर और एक बर्तन में ठंडे पानी से धो लेना है धोने के बाद जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद ले लेना है एक मैगी खाने वाला चम्मच आप लकड़ी से कोई भी चीज़ से आप गाँच सकते हैं इस तरह गाँथेंगे उसके बाद उसको साइड में रख देते हैं अब ले लेते हैं एक पैन इसमें डाल देते हैं एक कटोरी मिश्री और दो कटोरी इसमें पानी डालेंगे जितने मिश्री उतना दुगुना इसमें पानी डालेंगे क्योंकि यहाँ पर बनाना है अब इसमें डाल देते हैं दो हरी इलायची दो से तीन हरी इलायची डाल देते हैं और इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए कम से कम पाँच मिनट तक लिए इसको तेज आँचों पर पकाएंगे अब रेडी हो चुका है इसमें डाल देते हैं आंवला को आंवला को डाल को अच्छे से इसको डुबा लेना है इसमें डुबा कर और ढक देना है इसको ढक कर मीडियम आँच पर इसको पकाएंगे लगभग पंद्रह से बीस मिनट इसको लगेगा पकाते समय देखिए पंद्रह से बीस मिनट हो चुका है इसको पकाते हुए देखिए गाढ़ा हो चुका है चाशनी इसी तरह हमें चाहिए अब दो घंटा के लिए इसको छोड़ देंगे इसी तरह ढक कर छोड़ देंगे दो घंटा के बाद देखिए कितना अच्छा सूख चुका है देखिए कितना चासनी अंदर तक गया है कितना अच्छा से तो फ्रेंड अभी तक तो मिल रही है तजे तजे, तजे आंवला बाद में नहीं मिलेगा तो इस रेसिपी को आप बनाइएगा खाइएगा और इसे स्टोर भी कर सकते हैं रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए तो रेसिपी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा देखिए कितना जूसी बना है देखिए तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद तब तक ले खुश रहिए स्वस्थ रहिए